ज्योतिष, वास्तु और आप में अब हम आपको बताते हैं वास्तु के अचूक उपाय, पंडित पवन कौशिक जी आपको बताएंगे। पंडित जी, जी दर्शकों, जब भी आप घर बनाते हैं अपने प्लॉट पर तो उस जगह की जांच आप अवश्य कर लें। आप इतना पैसा उस घर के ऊपर लगाते हैं, घर बनाना शायद कुछ लोगों के, ज्यादातर लोगों के जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो करने से पहले आप उस जगह की जांच अवश्य करें। उस जगह पर आप नवजात शिशु को ले जाएं, बच्चा अगर बेचैन हो जाए, रोने लगे, तो बिल्कुल भी उस जगह आपको घर नहीं बनाना चाहिए। अगर वहां जाने के बाद वही बच्चा किलकारियां मारने लगे, खेल कूद करने लगे, तो वहां पर घर आपको अवश्य बनाना चाहिए। अगर बच्चा बेचैन हो रहा है तब भी आपको घर बनाना अति आवश्यक है, तो दोस्तों उपाय हमेशा श्रेष्ठ होता है, उपाय वहां पे अवश्य कर लेने चाहिए। वैसे मेरी यार राय यही है कि आप घर बनाने से बचें ऐसी जगह पे। जी, पंचकुला से मदन है हमारे साथ। मदन जी, सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी मदन जी। पंडित जी, मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं जी। 8 नवंबर 1975। जी, टाइम है 7:30 शाम के। शाम के 7:20। हाँ जी, 30 मिनट। हाँ जी जी जी, 7:30। और जन्म कहाँ का है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जी। क्या जानना चाह रहे हैं जी? ये बहुत बीमार रहती है, डिप्रेशन में है, डीप डिप्रेशन में है, और इसकी मैरिज लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब है। दो बातों का बहुत प्रॉब्लम है हमारे। कोई रत्न वगैरह पहन रखा है इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं पहन रखा सर। कोई बात नहीं भैया, एक काम आप करवाएं कि पांच पांच लाल फूल इनसे 5 रविवार आप जो है प्रवाहित करवा दें बहते हुए जल में। एक आप इनको अमेरिकन डायमंड पहना दें, 9 साढ़े 9 रति का अमेरिकन डायमंड पंच धातु में बनवा के ये लेफ्ट हैंड की सबसे बड़ी उंगली में धारण कर लें। एक इनको आपको पहनाना है भैया यहां पे नीलम या फिर ब्लू टोपाज, वो भी 5 या 5.5 रति का ही हो, ऐसा आप करवा दें। और मंगलवार को ये मसूर दान करें, 200 ग्राम मसूर प्रत्येक मंगलवार को करें। कम से कम 11 मंगलवार जब ये कर लेगी तो इनको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और बीमारी से बचने के लिए सबसे सरल उपाय मैं बताता हूं, बीमार रहना बंद कर देगी, कि वीरवार को, बृहस्पतिवार को एक 1.25 मीटर लाल कपड़े में, 1.25 मीटर पीले कपड़े में, सॉरी पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल और कुछ पैसे रख के मंदिर में जाके गणेश जी के चरणों में रख के आ जाए, और उसके बाद प्रत्येक वीरवार को 200 ग्राम चने की दाल और कुछ पैसे दान करना प्रारंभ कर दे। ये आजीवन कर सकती है ये दान, तो ये बीमार नहीं रहेगी। जी, चलिए, पंडित पवन कौशिक जी ने इतनी सारी जानकारियां दी आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया आपको पंडित जी, धन्यवाद जी करने के लिए। चलिए, इसी के साथ आज फिलहाल इतना ही, कल फिर पंडित जी हमारे साथ होंगे, ज्योतिष एवं वास्तु पर विशेष चर्चा होगी, लेकिन तब तक आप देखते रहिए CNEP।